आज जो हमारे गेस्ट हैं यहां पर बैक स्टेज पर उनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल है वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। प्लीज गेव एन वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सोनू शर्मा प्लीज सबसे पहले तो गुस्सा है इन पे बहुत ज्यादा <laughs> क्या गुस्ताकी हो गई सर देखो ऐसा होता है कि आपके जो ऑडियंस है ना वो आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं आप वहाँ गए आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे अरे <laughs> मैंने कहा अच्छी बदमाइश नहीं जाते हम <laughs> <laughs> तो नाक में दम कर दिया लोगों ने आप की वजह से आना ही पड़ा आना ही पड़ा मतलब <laughs> इतने मैसेज अब तो दो तीन दिन से तो धमकी वाले भी आ रहे हैं जाओगे कि नहीं जाओगे <laughs> इस बहाने मिलना तो हो गया ना सर इस बहाने मिलना हो गया और मैं जानता हूं कि दो ढाई महीने से हम लोग प्रोसेस में थे कि आपके से मुलाकात होगा लेकिन अच्छा लगा बच्चों की एनर्जी देखकर और आपसे मिलकर वाकई में अब बताइए कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज था तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया देखो जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते कोई भी चीज क्यों करना यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इज बुक बाय साइमन सेनिक कॉल्ड लर्न योर वाय कोई भी काम क्यों कर रहे हैं है ना तो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी वाई बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब अगर आपका वाई क्लियर है ना तो कोई भी ऑब्स्टिकल गिराने के बाद आप गिरने के बाद नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं तो वाई स्ट्रांग होना चाहिए और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग नहीं है मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं आपको फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दू दो फुट जिसका विथ हो और तीस फिट जिसका लेंथ हो और आपको बोलूं मैं यहां से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के और मैं आपको दस हजार रुपए दूंगा तो आप चल लेंगे बहुत आराम से अब सवाल को ट्विस्ट करते हैं अब उसी फट्टे को मैं सौ माले की दो बिल्डिंग के बीच में लगा दूं अब आप चलेंगे <laughs> लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है और मैं आपको एक रुपया भी नहीं दूंगा फिर भी आप चलेंगे बिकॉज आपका वॉय क्लियर है जब जब आपका वॉय क्लियर होता है ना तो कोई भी ऑब्स्टिकल कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती लेकिन जब वॉय क्लियर नहीं होता तो छोटी सी छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापिस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया होता है इंपॉर्टेंट है आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है आप कैसे बनना चाहते हो जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए परेशान हो गए एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है कि आने दो जो आ रहा है आने दो देख लेंगे संभाल लेंगे वो किसके अंदर हो सकता है जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है वही तो बोल सकता है ना आने दो इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से फेलियर से स्ट्रगल से सक्सेस से नहीं सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका सच बता रहा हूं आप लोगों को अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना सक्सेस से कुछ नहीं होता है सक्सेस जब मिल जाते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है ईगो बढ़ जाती है बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना वो बनता है ठोकरे खा खा करके प्रॉब्लम्स को फेस करके स्ट्रगल्स को देख करके तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे फेलियर से डरोगे नहीं उतना ही आने वाले दस साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबडी आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना यू नो तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप्स वहां देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है वो सर्दी में जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगाई खेल रहा होगा सर और हमारा पेम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है जरा सा हवा लग जाए ठंडा तो जो ठोकरे हैं ना वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देते हैं सफलता सही कह रहे हैं संदीप जी की दिमाग खराब करती है तो ये जो पांच छह साल है फ्रॉम फोर्टीन टू ट्वेंटी और ट्वेंटी टू यहाँ तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया या? सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेच्योर लोग रहते हैं जिनको लगता है कि यार एक कुदरत टेस्ट ले रही है यार हमारा वो तो खुद ही बोलता है अगर दो चार साल कुछ ना हो ना ऊपर देख के बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या <laughs> मुझसे भरोसा उठ गया है क्या आ, सही बात है भेजो कुछ कुछ चैलेंज मैं तैयार बड़ा मजा ही नहीं, नहीं, नहीं आता नहीं। उसके बिना उसके बिना मजा ही नहीं आता लोग वो है कि हम गाड़ी चलाते हैं ना चार पांच साल स्मूथ चलने लग जाए गाड़ी रोड पे तो हम गाड़ी रोक के खुद ही खड्डा खोदते हैं सड़क पे सारा तो चल रही है कोई ना कोई चैलेंज चाहिए यार मजा नहीं आ रहा यार गाड़ी चैलेंजेस आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करती हैं और मेरे हिसाब से चौदह और बीस साल का जो एज है इसमें तो खूब पिटाई होनी चाहिए आदमी की खूब रगड़ा पट्टी होनी चाहिए ताकि उसका इम्यूनिटी एक बार अच्छी हो जाए बाकी का उसका जो साठ सत्तर साल का जिंदगी है ना वो लोहा हो जाता है आपको खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है दुनिया तो नहीं करेगी तय है दुनिया तो चट्टी में बम लगाएगी आपके <laughs> हाँ, तकलीफ ये नहीं है कि चड्डी तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी <laughs> जब <बन करें laughs> हाँ, जब मन मन करे करेगी सही पे भरोसा <laughs> नहीं करेगी है लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो खुश होगा वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार तुमने तो सला खुद पर ट्रस्ट नहीं किया यार मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना वापस खड़ा हो जाता है ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना फिर आदमी खड़ा नहीं होता कभी आमार को अपनी नजर में खड़ा होना मेरा एक क्वेश्चन है आपसे ये जो आप अपने वीडियोस में बार बार साला साला बोलते हो तो आपका साला एक्चुअल में है या नहीं है नहीं, नहीं बिल्कुल है आश है कहते <laughs> <laughs> ना सारी खुदाई एक तरफ <laughs> एक्चुअली मैं उसको याद करता हूँ लोग कुछ और कोई भी क्या आजकल का जो दौर है ना जो मुझे कई बार लोग बोलते हैं आप साला मत बोला करिए लेकिन साला बोलने से जो वजन बढ़ता है ना बात में वो कुछ और शब्द उसको उसको भरपाई नहीं कर पाता <laughs> वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती और और कभी कभी जैसा लोग मुझे बोलते हैं मत यूज करो ये वो आदमी है जो नेटफ्लिक्स देख रहा है और न जाने क्या क्या देख रहा है और क्या क्या सुन रहा है लेकिन उसको मेरे से पंगा है थोड़ा सा आदमी रहता है ना कि इस देश में हर आदमी हर आदमी से खुश हो सकता है क्या इफ एवरीबडी लाइक्स यू यू हैव है सीरियस प्रॉब्लम है <laughs> ना अगर दुनिया में सब आपको पसंद करते हैं तो आप में कोई प्रॉब्लम है फिर आपने कोई समझौता ही किया है जीवन के अंदर हाँ। तो मैं वो जानबूझ के बोलता हूँ क्योंकि उसका जो वजन है ना यार मैं और बोलना चाहता हूँ और भी कुछ <laughs> 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 लेकिन रोक लेते <laughs> हो <रोग लेते> <laughs> <laughs> सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे लाइफ में सबके लिए सब कुछ क्लियर होती है नॉलेज सबके पास है क्लियर कट सब हैं सब रास्ते के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना कुछ चीज़ें उनको रोकती है पता है उसको भी वो क्या रोकती हैं क्या नहीं रोकती हैं फिर भी वो चाह के वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता उन चीज़ों को लेके एक नेगेटिविटी उसको रोकती है और उसकी सराउंडिंग उसको रोकती है मैटर करता है उसको सब पता है करना क्या है फिर भी वो रुकता है सर इसके लिए कोई ऐसा आंसर दो आज तक किसी ने दिया ना और क्लियर कट हो भगवान कृष्ण पांडवों के तरफ से गए पाँच गाँव मांगने हस्तिनापुर शांति प्रस्ताव शांति प्रस्ताव लेके गए कि पांच गांव आप पांडवों को दे दो बड़े संतोषी हैं वो लड़ाई बड़ाई नहीं करेंगे और पूरी ये धर्म है उसने बोला मैं जानता हूं धर्म है उसने बोला करता क्यों है बोला पता नहीं ऐसी कोई शक्ति है जो मुझसे करवाती है ऐसा होता ही नहीं है कि गलत करने वाले को अरे मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना पाप है नहीं तो मैं करता ही नहीं

ऊपर के करेगा थैंक्स बोलेगा शुक्रिया अदा करेगा और जहां पड़ोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है और उस कुत्ते को भी पता है कि सारा बेईमानी की रोटी है वो तीन गली दूर जाके खाता है कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता है सबको पता होता है कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है बहुत बढ़िया फिर भी लोग करते हैं ऐसा हो नहीं सकता सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू तो हेल्थ एवरीबडी नोज ना अब वो चालीस <laughs> साल तक ज्यादा चेन स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेफड़े खराब हो गए डॉक्टर ने बोला भाई तेरी वारंटी खत्म है तू बिल शिल लिख ले तू जाने की तैयारी कर ले और ये डॉक्टर साहब को अगर इनोसेंटली बोल रहे डॉक्टर साहब मुझे पता होता भगवान कसम मैं पीता ही नहीं बोल सकता है ऐसे नो no, उसको पता था पता होने से कुछ नहीं होता मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग आपको सब पता है सुबह शेयर करने से सेहत अच्छी रहती है हर किसी को पता होता है गरीब भी कर सकता है, है। चप्पल है तो भी कर सकता है कुछ नहीं होता है एक बार आपको सिगरेट की लत लग गई तब अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपके लिए सिगरेट को छोड़ना अगर मानो आपको दस साल हो गए सिगरेट पीते हुए अब एकदम से सिगरेट को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है मैं बोलता हूं आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि बायोलॉजिकली आपकी जो ब्रेन है वो मांगेगी उस चीज को अब सिर्फ साइकोलॉजिकली आप क्रेव नहीं कर रहे सिगरेट के लिए बायोलॉजिकली भी वो क्रेविंग उठेगी अंदर से जैसे भूख लगती है प्यास लगती है वैसे ही मांगेगी आपकी जो ब्रेन है तो इसका सोल्यूशन क्या है जब भी कोई गलत काम करने की शुरुआत कर रहे हो आपको पता है कि वो सही है गलत है तभी आपने क्वेश्चन पूछा आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है टाइम खराब कर रहा हूं एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की

तो बच्चे ने बोला कौन सी बात है खट से उखाड़ उखाड दिया हाँ। थोड़ा सा और आगे गए तो दो ढाई फुट का एक छोटा सा पेड़ था गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे उसने थोड़ा सा जोर लगाया वो भी उखाड़ दिया फिर चार पाँच फुट लंबा पेड़ था गुरु ने बोला अब इसको उखाड़ दे थोड़ी सी उसको मेहनत लग रही लेकिन उसने फाइनली उसको भी रिमूव कर दिया अब एक बरगद का पेड़ था करीब करीब बीस फीट ऊंचा गुरु ने बोला अब इसको उखाड़ बोला महाराज कैसी बातें करते हुए कैसे उखड़ेगा बोला यही सिखाना चाह रहा था कि एक बार जड़ें गहरी हो जाए ना तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चन ये है कि कि जैसे हम पढ़ते हैं आजकल ये हो रहा है कि हम मैक्सिमम हमारा फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे और ये चीज मतलब जॉब करेंगे लेकिन ये होता है कि जब वो नहीं होता हमारे से तो हमें मतलब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है मे भी वो ना हो कुछ बड़ा मतलब अपनी थिंकिंग को कैसे बढ़ाए वॉस करें देखो ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए ये सोच ही गलत है अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे स्टैंड पॉइंट से सोच पता है क्या होनी चाहिए इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है क्या ब्रेन है हमारे पास में क्या थिंकिंग पावर है क्या एबिलिटीज है इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए सर्वाइव होने के लिए सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं उसमें क्या बड़ी बात है तो नॉलेज को यूज करो यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए माइंडसेट को चेंज करो अभी क्या एज है बीस साल बाईस साल अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं बीस साल तीस साल चालीस साल पचास साल अभी पूरी लाइफ पड़ी है उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप कैसी लाइफ चाहते हो आप उसको क्रिएट करो और उस नॉलेज को उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको इंटरनेट पे भरी पड़ी है नॉलेज नॉलेज की कहां कमी है और अपने दिमाग को खोलो सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से यह पढ़ाई करी उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूं जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूं अरे नहीं वो समय गया आज अनलिमिटेड फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है दिमाग बंद है बोलते हैं ना माइंड इज लाइक अ पैराशूट इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन तो दिमाग को खोलो देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है जॉब इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी देर आर लॉट ऑफ वेस्ट टू मेक मनी यू मस्ट हैव दैट िटी टू क्रिएट समू फॉर दी सोसाइटी फॉर दर्ल्ड अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो दुनिया तैयार है आपको पैसा देने के लिए आप इसको ऐसे देखो मैं आपसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से सोल्व हो जाती है आप पैसे दोगे या नहीं दोगे दोगे ना तो और लोग भी तो आपको देंगे इसी को तो बिजनेस बोलते हैं मेरा एक वीडियो है अगर टाइम मिले तो देखना कि इस दुनिया में जंगल का शेर बनना सर्कस का नहीं शेर तो सर्कस में भी रहता है ना अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है बस लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है एवरीडे व्हेन द सन राइजेज उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए नहीं तो वो शाम का अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता मर जाएगा डेली भागना है डेली दौड़ है डेली लड़ाई है डेली जंग है उसकी लेकिन सर्कस के के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं उसको धूप की तकलीफ है नहीं है धूप उसको पड़ेगी नहीं बारिश उस पर आएगी नहीं सेफ सिक्योर है मस्त रह रहा है उसकी टेक केयर हो रही है लेकिन साला कोई जिंदगी है बच्चे भी पूछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूछ बाहर घूम रही होती है अब यही पिंजरा हटा दो अब बच्चे को बोल हाथ लगाइयो है ना तो जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना चैलेंजेस होने चाहिए आराम से दो टाइम का खाना मिल जाएगा वो तो सर्कस वाली कहानी है मुझे सूट नहीं करती जंगल में रहे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। सौ साल की नालायक जिंदगी से तीस साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है थैंक यू सो मच थैंक यू